ओम सूर्य देवाय नमः। ज़्यादातर हिंदू त्यौहार की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के आधार पर होती है, परंतु मकर संक्रांति पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना के हिसाब से मनाया जाता है। हर वर्ष पौष महीने में सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि पर मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा उपासना की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति तिथि पर सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। सनातन धर्म में सूर्य के उत्तरायण होने का विशेष महत्व है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत निकटतम नदी और सरोवर में डुबकी लगाते हैं, साथ ही पूजा पाठ जप तप और दान पुण्य करते हैं। इस दिन पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु भी बहती जलधारा में तिलांजलि दी जाती है। इस उपाय को करने से व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। शनिदेव मकर व कुंभ राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह पर्व पिता पुत्र के मिलन से भी जुड़ा। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, इसीलिए भीष्म पितामह ने अपने प्राण को त्यागने के लिए इसी दिन का चयन किया था। इस बार 15 जनवरी को देर रात 2:43 पर सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश के दिन ही मकर संक्रांति मनाई जाती है, इसीलिए साल 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी कि 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। इस दिन पुण्यकाल प्रातःकाल 7:15 से लेकर शाम को 5:46 तक है। इस अवधि में पूजा पाठ जप तप और दान कर सकते हैं। वहीं महापुण्यकाल सुबह 7:15 से लेकर 9 तक है। इस दौरान पूजा और दान करने से सूर्यदेव की विशेष कृपा होती है। यदि आप महापुण्यकाल में सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और इसी काल में दान पुण्य करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना तक मिलता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठे और अपने घर की साफ सफाई करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। यदि आपके पास सुविधा है तो पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान करें, फिर आचमन कर स्वयं को शुद्ध करें। साथ ही यदि संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। यदि संभव ना हो तो लाल पीले किसी भी तरह के शुभ रंगों को धारण करें, परंतु वस्त्र स्वच्छ एवं साफ होने चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। इसी समय अंजलि में तिल लेकर बहती हुई जलधारा में प्रवाहित करें। इसके पश्चात विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा करें। संभव हो तो साक्षात सूर्यदेव की पूजा करें। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए एवं साक्षात सूर्यदेव की पूजा करें। पूजा के समय सूर्य चालीसा, सूर्य काष्ठम इत्यादि का पाठ करें। अंत में आरती कर सूर्यदेव से सुख शांति और धन वृद्धि की कामना करें। पूजा समाप्त होने के बाद अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान दक्षिणा दें। इस दिन गुड़ का दान विशेष माना जाता है, इसलिए इस दिन मुरमुरे तिल और गुड़ के मिलाकर लड्डू बनाएं व उनका दान करें। मकर संक्रांति के दिन चावल और काली उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करना बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन दान करने के लिए धातु या स्टील के बर्तन भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं। ये सुख समृद्धि का प्रतीक है। जरूरतमंदों में बांटने से पहले बर्तन में सिंदूर, हल्दी, पवित्र लाल धागा, तिल और गुड़ डालकर ही दान करें। खाली बर्तनों का दान करना अच्छा नहीं माना जाता है। संक्रांति के दिन घी का दान भी जरूर करना चाहिए। आप चाहे अपनी क्षमता अनुसार घी का दान मंदिर में या अन्य किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, लेकिन घी का दान जरूर करें। घी का संबंध सूर्य और गुरु से माना गया है। साथ ही घी समृद्धि का प्रतीक होता है। इसे दान करने से करियर में सफलता के साथ साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यदि संभव हो तो दान महापुण्यकाल में करें। रात्रि के समय कभी भी दान नहीं किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव शनिदेव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि पहले शनिदेव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्यदेव शनिदेव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक और राशि यानी कि मकर राशि शनिदेव को प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव और शनिदेव की कथा पढ़ने से आपके शनि दोष काफ़ी हद तक राहत दे सकते हैं। तो आइए मकर संक्रांति की कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनिदेव की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार।
दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। जिस घर में वो रहते थे उनका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे दुखी होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। सूर्यदेव के बड़े पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के दिए हुए श्राप से मुक्त कराया। साथ ही उनके सामने मांग रखी कि वह उनकी माता यानी कि छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे। इसके बाद सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव से व्यवहार में बदलाव लाए और इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पर पहुँचे। जब सूर्यदेव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उसके पास किसी भी वस्तु की कोई भी कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसीलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। बोलिए सूर्य भगवान की जय, बोलिए शनिदेव की जय। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।